अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में डायोड मॉडल को देखना है और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ आउटपुट को देखना है और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किस तरह होती हैं चीज़ें उनको देखना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट को देखना है ताकि हर एक चीज़ सर्किट को रेक्टिफाई कर पाए हम लोग। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, डायोड मॉडल डिटरमाइन वेदर ई सिलिकॉन डायोड इन फिगर 2.92। ये जो हमारे पास फिगर्स हैं ये 2.92 है इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, कि हमने हर एक को बताना है कि ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपने देखना है एक चीज़ कि यहाँ पर देखें कि ये जो पॉइंट है, पॉजिटिव वाला पॉइंट है, वो कहाँ बन रहा है, एनोड के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो प्लेट है मेरे पास, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो देखें इस तरह का केस आ गया, और ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर चीज़ें बताई थी कि अगर डायोड अगर इस तरह बना हुआ है और यहाँ पे +3 वोल्ट आ रहा हो और यहाँ पे फोर सपोज 5+5 वोल्ट आ रहा हो, तो ये क्या होती है, रिवर्स बायस होती है। तो इसे यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सिंपल रिवर्स है ये मेरे पास। ठीक है, सर्किट बी की तरफ आते हैं। अब सर्किट बी की तरफ देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास सर्किट है किस तरह बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है कि जो एनोड है इसके ऊपर कौन सा चार्जेस आ रहे हैं, माइनस चार्ज आ रहे हैं एनोड के ऊपर, क्या कैथोड के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। और जो ये पॉइंट दिया हुआ है, जो कि ग्राउंड बना दिया है, आप फोर सपोज यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, और आप देखें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और फ्लो करता हुआ यहाँ पे बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर देखा कि जो +3 वोल्ट है, +30 वोल्ट है, वो यहाँ से कनेक्ट होके इस तरह फ्लो होके यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर की इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा आके कि एनोड के ऊपर पोलैरिटी क्या हो रही है, प्लस हो रही है, और फिर ग्राउंड हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि एक ही एनोड है, और एनोड के ऊपर अगर ऊपर हाई है तो नीचे ग्राउंड में क्या होगा, माइनस का फ्लो हो रहा होगा, मीन्स के नेगेटिव करंट पास आउट हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या कह दिया कि ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब नेक्स्ट देखें आके, तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास ये सर्किट है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो एक हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो आपने सिंपल देखना क्या है कि हाई पोटेंशियल पे कौन है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 20 वोल्ट है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि इसके पोलैरिटी किस तरह है, इसके ऊपर आके इसके पोलैरिटी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है और एनोड के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। तो आपने यहाँ पर इसको क्या नाम दे देना है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आपने यहाँ पर सिंपल फॉरवर्ड बायस का आके कह दिया। अब आगे देखें, आगे सवाल के अंदर लिखा हुआ है, डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, डायोड के अक्रॉस हमने मालूम करना है वोल्टेज उसका, इन अ प्रैक्टिकल मॉडल। ठीक है, हमने किसके अक्रॉस मालूम करना है, प्रैक्टिकल मॉडल। तो जब प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर आपने याद रखना है कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7 होता है, 0.7 वोल्ट होता है। जहाँ जहाँ फॉरवर्ड बायस होगा वहाँ पर आपने क्या क्या काम करना है, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो वी एफ होगा वो क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह 0.7 वोल्ट ये डायोड के लिए हो जाएगा, वी एफ लिख दिया, और ये भी फॉरवर्ड बायस था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये वी एफ क्या आ गया, 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड के अंदर आ गया, प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर आ गया। अगर ये आइडियल मॉडल की बात करता तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हम कंसिडर करते हैं वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी जो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है नहीं आता डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स के लिए। तो देखें रिवर्स के लिए क्या करना है कि आपको देखना है ये करंट कहाँ से फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है एनोड टू कैथोड, तो एनोड के ऊपर कुछ भी है, कुछ भी पोटेंशियल है आपके पास, क्या है, 5 यहाँ रखा, फ्लो करते हुए जाएगा यहाँ से, तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस का मीन्स का मतलब होता ही माइनस है। तो आपने जो भी मैग्नीट्यूड है आपने यहाँ पर कर दिया, अगर यहाँ पर प्लस था तो आपने सिंपल माइनस कर दिया, अगर ऊपर माइनस होता तो आप माइनस माइनस क्या कर देते, प्लस कर देते, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस का 3 वोल्ट बनेगा। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर होगा वी एफ के लिए। ठीक है, जो मैं वी आर का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वो वोल्टेज है जो कि डायोड के अक्रॉस आ रहा है, और आपको पता है कि जो डायोड के अक्रॉस आता है तो ये ओपन टर्मिनल हो जाते हैं, जब ओपन टर्मिनल हो जाते हैं तो वहाँ पर जो भी पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो सोर्स के बराबर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल दी। ठीक है, अगला है, डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड अज्यूमिंग आइडियल डायोड। जब आइडियल होगा तो हमने क्या करना है, तो आपको बताया है कि अगर आइडियल होगा फॉरवर्ड बायस के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फॉर आइडियल, आइडियल और आइडियल एंड प्रैक्टिकल,
बल्कि नहीं, यहाँ पे आइडियल के अंदर तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल अगर उसकी बात करूँगा तो मैं वी डी लिख देता हूँ, डायोड के अक्रॉस जीरो वोल्ट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वी डी के अक्रॉस क्या होगा, जीरो वोल्ट, जब ये आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, वी डी जीरो वोल्ट होगा। और जो रिवर्स के अंदर, चाहे प्रैक्टिकल डायोड हो या आइडियल डायोड हो, तो आपके पास ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपने यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, -3 वोल्ट। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इस पर कहा हुआ है, ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर ईच सर्किट, फिगर दिस, इंक्लूड द वोल्टेज वैल्यू। हमने वोल्टेज की वैल्यू भी बतानी है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है। सबसे पहले तो देखा ही कि आपने हाफ वेव है, ठीक है। पहले हम वोल्टेजेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो ये आपको मिल रहा है इनपुट, ये आपको वी पीक सेकेंडरी मिल रही है। तो वी पीक सेकेंडरी ये आपके पास क्या आ गई, ये 5 वोल्ट। अब जब आपको वी पी आउट निकालना है, क्योंकि आपको वोल्टेज निकालना है और उसकी वेव फॉर्म जनरेट करनी है, तो 5 माइनस हाफ वेव है तो -0.7, तो किसके बराबर है, 4.3 वोल्ट के, ठीक है। ये पार्ट ए के लिए मैंने काम कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह मैं पार्ट बी के लिए भी काम कर लेता हूँ। तो पार्ट बी के लिए मेरे पास वी पीक सेकेंडरी कितनी है, वी पीक सेकेंडरी है मेरे पास +50 वोल्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ पर वी पी आउट निकालना है। वी पी आउट निकालने के लिए क्या होगा, 50 माइनस 0.7, 0.7 विच इज इक्वल टू 49.3 वोल्ट। तो आपके पास ये 2 वोल्टेजेज आ गई हैं। अब आपने ड्रॉ करनी है इसकी वेव्स। अब वेव किस तरह ड्रॉ करनी है ये देखना है। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ इस तरह बना लिया। अब आपने पहले सर्किट की तरफ आना है। पहले सर्किट में देखा आपकी ये हाफ वेव है, तो हाफ वेव के अंदर सर्किट में एक मरतबा पीक आती है, फिर दूसरे में डेड रीजन आ जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा क्या है, पॉजिटिव पीक जा रही है, पॉजिटिव पीक जा रही है, और यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, प्लस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा, फिर डेड रीजन आएगा। इसको मैं इससे बना लेता हूँ, ये बिल्कुल इसके साथ आएगा। तो जो डेड रीजन है इस तरह आएगा, देन इस तरह दोबारा पीक बनती रहेगी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। बस अब इसको मैंने बना दी यहाँ पर। और जो यहाँ पर और जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, यहाँ का वी पी आउट का मैग्नीट्यूड कितना निकला, 4.3 वोल्ट, ठीक है। और ये 0 वोल्ट होता है। अब बिल्कुल इसी तरह आपने ये काम भी करना है। और यहाँ पर अब देखते हैं, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव पीक आ रही है, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, और हाफ वेव है तो आपने एक लाइन लगा दी हूँ, ठीक है। फिर ये आ जाएगी नेगेटिव पीक आएगी। जब नेगेटिव पीक आएगी तो ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, माइनस में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस जब होगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा पीक कहाँ है, नीचे की साइड है, तो आपकी जो वेवफॉर्म है वो नीचे की साइड बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ वेवफॉर्म इस तरह की बनेगी, ये बनाते हैं वहाँ पर। तो पहली जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह आएगी, देन मूव टूवर्ड डाउनवर्ड, और फिर दोबारा इस तरह, एंड देन कुछ ये आपके पास वेव बनेगी, ठीक है। तो इसका वी पी का आप ले लें 49.3 वोल्ट। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, ठीक है। ये इसी से लिंक करता हुआ है। अब ये कह रहा है, व्हाट इज़ द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, ठीक है। इस डायोड के अक्रॉस, इन दोनों डायोड के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को याद होगा, जो एक पीडीएफ शेयर की थी और जो पिक्चर थी उसके अंदर एक फार्मूला था पीआईवी, जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो बराबर होता है वी पीक सेकेंडरी के, वी पीक सेकेंडरी के। तो आप यहाँ पे पीक वैल्यू देखें कौन सी है, तो पीक वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 50 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं पहले वाले के लिए लिख देता हूँ, और पीआईवी जो पहले वाली की आई है वो क्या आई है, 5 वोल्ट, और ये दूसरे वाले के लिए क्या आई है पीआईवी, इसको ब्रेक कर लेते हैं बीच में ताकि हम यहाँ यहाँ काम कर लें। तो यहाँ पर है 50 वोल्ट। तो ये आपके पीक इनवर्स वोल्टेज हो गए, और ये एमसीक्यू नंबर जो 10 था, ये सवाल नंबर 10 ये हो गया, ठीक है। फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लें ताकि जो आपको किसी भी किस्म का मसला ना आए सवाल के अंदर। अब कहा गया है, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज विद अ पीक वैल्यू ऑफ 200, ठीक है। आप यहाँ पर आपने सबसे पहले नोट डाउन करना है कि यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ हुआ हुआ है, उसका वोल्टेज है, पीक वैल्यू उसने क्या दे दी है 200। तो अब जब एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज निकालने का एक फार्मूला था, तो वी एवरेज निकालने का एक फार्मूला है, वो है 2 वी पी
ठीक है, जो पीक वैल्यू होगी अपॉन पाए। तो आपके पास ये वैल्यू थी, अब आपने यहाँ पर अपनी चीज़ें सब्सटीट्यूट करनी है और आपको जो आंसर है वो मिल जाएंगे। तो इसको जब सब्सटीट्यूट करते हैं, यही काम हमने दोनों के लिए काम करना है। तो यहाँ पे सिंपल 2 इंटू वी पीक हमारे पास इसके बराबर है, ये आई थिंक ये 200 गिवन है हमें, तो 200 डिवाइड बाय पाए। तो आप ये करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो एवरेज की वैल्यू आई थिंक आएगी, इसको चेक कर लेते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 3.142, तो 127.3 आ गया मेरे पास। तो 127.3, तो इसको लिख लेते हैं, जो एवरेज क्या आ गई है 127.3। अच्छा, ये आई थिंक मैंने गलत कर दिया, क्योंकि ये मैंने फुल वेव के लिए लिख दिया और ब्रिज के लिए फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे सिंपल वी पी अपॉन आउट होता है, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए वी पी अपॉन पाए, तो इसको निकाल देते हैं दोबारा। तो इसको 200 डिवाइड बाय 3.142, तो ये बराबर आ गया 63.65 के। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल 63.65 वोल्टेज। तो ये आपके पास आ गया है एवरेज, ठीक है। अब आपने जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो गया है। अब कहा हुआ है व्हाट इज द पीक फॉरवर्ड करंट थ्रू ईच डायोड, तो उसने कहा है कि आप अपना पीक फॉरवर्ड करंट बताएं दोनों डायोड के अक्रॉस। तो हमने सबसे इसका जो एक फार्मूला होता है सिंपल ये है, जो आई जब निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो, वी पी आउट अपॉन आर, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और आपको मालूम है कि हमने ये वाला काम निकाल लिया था। तो ऊपर से मैं वी पी आउट की वैल्यू देख लेता हूँ, 4.3 एंड 49.3, तो 4.3 क्योंकि ये हमने काम ऊपर ही काम किया है। तो यहाँ पर सिंपल क्या लिखूँगा, 4.3 डिवाइड बाय आर की वैल्यू 47 पहले वाले इसके लिए। तो ये पहले पार्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पार्ट ए के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास 47। तो करंट जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देख लेते हैं इसको भी, 4.3 डिवाइड बाय 47 आ गया, तो 0.19, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 91.4 एम्पियर। तो क्या आ जाएगा, 91.4 मिली एम्पियर। तो ये पार्ट ए के लिए काम कर लिया मैंने। अब मैं बिल्कुल इसी तरह पार्ट बी के लिए काम करूँगा, तो पार्ट बी के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल सेम फार्मूला यूज़ होगा इसी पैटर्न के अंदर। तो आई इज इक्वल टू 49.3 अपॉन 3 एक्सपोनेंट 3, 3.3 किलो था, तो यहाँ पर 3.3 लिख लेते हैं, 3.3 एक्सपोनेंट 3 किलो में आ गया आपके पास। तो आई आपके पास अब क्या आएगा, इसको भी निकाल लेते हैं। अब आई जो आएगा वो आएगा 49.3 डिवाइडेड बाय 3300, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14.9 मिली एम्पेयर। तो करंट कितना आ गया है, 14.9 मिली एम्पेयर। आई होप समझ आ गया होगा किस तरह करंट निकाला है, ठीक है। तो आपने ये काम यहाँ पे ये काम इस तरह करना है। अब आगे देखें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इस पर लिखा हुआ है, ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर। हमने एक आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है इसकी, कि जब डायोड क्या होंगे, रिवर्स होंगे। जो हमने सर्किट के अंदर देख रहे हैं कि डायोड क्या है, सारे के सारे रिवर्स हो गए, फ्लिप्ड हो गए। तब हमने इसकी एक वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक इनपुट बना लेते हैं, एक एज्यूम लेकर चलते हैं कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे पास इनपुट है, वी इनपुट है, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर आ रहा है। भाई ये ठीक है, ये मैंने ये वोल्टेज बना लिया है। अब मुझे बनाना है आउटपुट इसका। तो आउटपुट के लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सेम तरह यही काम करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको ड्रॉ ऐसे कर लेते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं, जब नॉर्मल कंडीशन होती थी हमारे पास, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर सारे के सारे डायोड की पोजीशन क्या होती थी, चेंज होती थी। मीन्स के आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, कि जब डायोड होता था तो इस तरह ब्रिज के अंदर पहले बनता था ये वाला पॉइंट, ठीक है। देन आगे पास आउट हुआ, फिर देन इस तरह का ब्रिज, एक तरह का फॉर्म
फॉर्म होता था, एंड देन इस तरह। तो ये एक नेटवर्क बनता था और यहाँ से कनेक्शन होते थे, एंड यहाँ से एक रेजिस्टर निकल के ग्राउंड होता था, और यहाँ पर भी। तो जो इसकी जो वेवफॉर्म बनती थी बिल्कुल किस तरह बनती थी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता था इस तरह, तो यहाँ पर इसकी जो वेवफॉर्म बनती थी इसकी बनती थी यूं। बट अब आपने यहाँ देखना, जब सारे के सारे जब डायोड रिवर्स हो जाएंगे, जब डायोड रिवर्स हो गया तो इसके जो आपके पास वेवफॉर्म होगी ये भी इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्ट का मतलब क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये इस तरह बनना शुरू हो जाएगी, जो वेवफॉर्म होगी इस तरह बनेगी, बिल्कुल इस तरह बनेगी। तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब डायोड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जिस तरह आपने अपने सर्किट में पहले देखा था, तो वहाँ पर जो वेवफॉर्म होती है किस तरह आती है, वो बिल्कुल इस तरह आती है, जो कि यहाँ पे मैंने बना दिए, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो आपने सिंपल काम क्या करना है, जब भी डायोड रिवर्स हो जाए, पूरा का पूरा सारे के सारे डायोड इन्वर्ट हो जाए, तो आपने भी जो वेवफॉर्म इसको इन्वर्ट कर देनी है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर, अगर इनमें से कोई एक भी डायोड रिवर्स होता है, मींस के सारी के सारी डायरेक्शन सेम और एक चेंज हो जाएगा, तो ये फुल वेव की तरह काम करेगा, ये हाफ वेव, बल्कि ये हाफ वेव बन जाएगा, फुल वेव नहीं बनेगा। बस एक चीज़ का ये ध्यान रखना है। तो अपने आप जो सर्किट है आप उसको ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हैं वहाँ पर। फॉर सपोज आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो ये वाला जो डायोड है ये इन्वर्ट हो जाता। इन्वर्ट का क्या मतलब हो गया कि ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, मीन्स कि ये इस डायरेक्शन के अंदर बन गया, ये इस डायरेक्शन के अंदर बन जाएगा। तब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा, तो ये दोनों स्विच ओपन हो गए, तो ये इसको क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस कर दें, और जब यहाँ ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये क्रॉस हो गया, तो एक ही डायरेक्शन बनेगी, तो ये हाफ वेव की तरह काम करेगा। तो फिर इसका आउटपुट अपने डिजायर्ड जो आपका आंसर होगा उसके मुताबिक बना सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा उससे। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दूँ।